जैसे कि पार्ट टू में आपने देखा था हम आए थे मॉल ऑफ रांची, तो अब हमें ये देखना है कि हमने मॉल ऑफ रांची से क्या क्या लिया। ठीक है, तो कीप वॉचिंग गाइस, चलो देखते हैं क्या क्या लिया। मेरी माँ को ब्रांडेड बैग पकड़ने का शौक चढ़ गई है। 3-4 हज़ार बोलेगा तो लेगी, 3 हज़ार तक बोलेगा तो लेगी। तो गाइस रांची मॉल में घुसते साथ हमने सबसे पहले घुसा ये ब्रांडेड महंगे शोरूम में जो बैग का था, और फिर मम्मी ने यहाँ पे प्योर लेदर के एक बैग देखी और हमें लगा कि थोड़ा बहुत मतलब चलो ठीक है प्राइस का, बट जब उन्होंने प्राइस पूछा तो हम वहाँ से निकले और हमारा ये हाल था। लो ना मेरा बैग पकड़ो, लो नहीं पकड़ो, 12 हज़ार वाला बैग चाहिए। 12 हज़ार का बैग था भाई साहब, खरीदेगी? अभी नहीं है औकात, कुछ दिन बाद औकात होगा तो खरीदेंगे 12 हज़ार का बैग भी। कौन दीदी को लाने जा रहे? हम आए हैं मैक्स, और मैक्स फिर से कुछ ना कुछ ले रही है। कौन सा कुर्ती बोली? तो हमने मैक्स से लिए 3-4 लेगिंग्स, मैक्स हमारे औकात का है मतलब चल जाता है इनके दाम। फिर हमने यहाँ से लिए बहुत सारे लेगिंग्स, थोड़े मम्मी के लिए थोड़े मेरे लिए, और ये लेने के बाद हम फिर से बाहर निकल चले और हम देख रहे थे कुछ होम डेकोर का सामान, तो हमें मैक्स के ही जस्ट थोड़ा सा बगल में एक मतलब एक शॉप दिखा जो था मार्केट 99, और यहाँ से मतलब इतनी प्यारी प्यारी होम डेकोर के सामान थे ना, मतलब यहाँ से तो हमने डेफिनेटली ये तो हमने लिया ही लिया था जो हम अपने घर पे रखने वाले हैं क्रिसमस में। तो अंदर जाके हमने देखा तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत कम रेंज में थी, बहुत अच्छी थी। ये मार्केट हमारे लायक था, मतलब ये थोड़ा अच्छा मार्केट था, मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं था कि मतलब देख के हमारी फट जाए, मतलब नॉर्मल था, हमारे लायक थी इसकी प्राइजेस। तो यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट थे क्रिसमस के लिए, इतने प्यारे प्यारे, इतने क्यूट क्यूट थे, मतलब होम डेकोर का सामान जो था ना, अगर आप बाहर नॉर्मली जाओ ना तो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट 99 से स्टार्ट था होम डेकोर का सामान, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 199-399 तक ही इनका प्राइस था, उससे ज़्यादा नहीं था, और बहुत सुंदर था। मम्मा को ये फ्रेग्रेंस वाला कैंडल पसंद आया, बट मुझे खुशबुओं से एलर्जी है तो फिर उसके बाद नहीं लिया हमने। लिया हमने बहुत सारी चीज़ें, ये देखो अलादीन, अलादीन का ये अलादीन का घर। मॉल ऑफ रांची से निकलते निकलते हमें बज गए थे, मैं यहाँ टाइम दिखा रही थी, ऑलमोस्ट 8 बज गए थे हमें यहाँ से निकलते निकलते। और फिर रांची में ट्रैफिक तो आप लोगों को पता ही है कितना ट्रैफिक था, और मैं पूरा दिन इतना मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तो मैंने पार्ट में बनाया, बट ये पूरा एक दिन का ब्लॉग था भाई साहब, इतनी थकान हो गई थी। फिर रास्ते में हमने देखा कुछ लोग जुलूस निकाले हुए थे, तो मुझे नहीं पता किस चीज़ का जुलूस है, अगर तुम लोगों को देखना है तो पॉज करके देख लो किस चीज़ की ज़रूरत है। बस जहाँ तक मुझे लग मतलब मैंने सुना और जहाँ तक उस टाइम डिस्कशन हो रहा था तो ये लोग सारे हेमंत सोरेन हाय हाय बोल रहे थे, और मुझे लगता है कि शायद हेमंत अंकल ने ऐसा कुछ करा होगा जो नहीं करना था उनको। ओके कोई बात नहीं, वो उनका मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पता चल रहा है मैं कल को तुम लोग मतलब मुझे उधर देख लो जेल में डाल दी तो गजब हो जाएगा फिर तो। मतलब ये लोग शायद तो पंचायत सचिवालय या फिर सचिवालय या फिर पता नहीं किस चीज़ का तो जुलूस था, जो भाई साहब भयंकर भीड़ थी, भयंकर वाली भीड़, मतलब लगता है कि पूरे झारखंड के मतलब पंचायत सचिव सचिवालय सचिव पता नहीं जो भी होता है, पता नहीं क्या होता है, मुझे आपका इतना आइडिया नहीं है, वो लोग पूरे झारखंड के आए हुए थे शायद, इतनी भीड़ थी ना इनकी, मतलब इतनी लंबी जुलूस थी इनकी, और सारे मसाल लेके जा रहे थे भाई साहब, कतई खतरनाक दिख रहा था, और जहाँ पे एक साथ ढेर सारा मसाले दिख रहे थे ना वहाँ तक कतई खतरनाक दिख रहा था। तो देख लो भाई जो भी है हेमंत अंकल, इनकी इनकी भी सुन लो, इनके भी घर परिवार है यार, इनकी भी सुन लो, इनकी भी मदद कर लो थोड़ी, ठीक है।
तो फिर उसके बाद हमने जुलूस में कम से कम आधे घंटे जाम रही, तो हम आधे घंटे तक जाम में फंसे रहे। अब चल थोड़ा सुनते हैं ये लोग बोल क्या रहे। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवी सेवक को अस्थाई करो बोल रहे। अरे बहुत रात में भीड़ है, नहीं इन लोग तो ज्यादा आ गए हैं इधर अभी भी है, वही ना पूरा झारखंड का है। होश में आओ, होश में आओ हेमंत सोरेन, होश में आओ। जाम से निकलने के बाद हमने खाए कबाब, क्योंकि इतना लंबा जाम था कि हमें भूख लग गई थी। फिर से हमने खाए थे कबाब। उसके बाद रास्ते में हमें गॉसनर कॉलेज के थोड़ा से पीछे दिखा ये फ्लावर शॉप, क्योंकि मम्मी को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है घर डेकोर के लिए, तो हम घुस गए यहाँ पे। बट आर्टिफिशियल से ज़्यादा ना हमारे घर कभी आप आओ तो आपको इतने ओरिजिनल फूल मिलेंगे ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतने फूल मिलेंगे इतने, क्योंकि मेरा नाम सुमन है और सुमन का मतलब फ्लावर होता है। तो फिर हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, लेने के मतलब वहाँ से कुछ लिया ही नहीं हमने। फिर हम आ गए बिरसा चौक। मुझे ना बिरसा चौक की ये मंदिर के पास जो एक गोलगप्पे वाला होता है, इसके गोलगप्पे बहुत पसंद है, मतलब बहुत टेस्टी बनाता है ये आदमी। तो फिर हमने खाए गोलगप्पे और इस तरह से हमने खाते पीते शॉपिंग करते अपना एक दिन पूरा बिता दिया। फिर हमने खाए चाट भी। तो थैंक यू गाइस, हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखने के लिए लाइक जरूर करना।